पटना के तख्त श्री हरमंदिर जी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कार्यवाहक जथेदार बलदेव सिंह को शुक्रवार को जथेदार घोषित कर दिया है। इसके साथ ही कई महीनों से चले आ रहे रणजीत सिंह का मामला एक बार फिर से गर्म होता नजर आ रहा है। प्रबंधन कमेटी ने पूर्व के बर्खास्त रणजीत सिंह को नोटिस देकर आवास खाली कराने का निर्देश जारी किया, जिस पर रणजीत सिंह का मानना है कि जिस ढंग से उन्हें हटाया गया है वो बिल्कुल गलत और निराधार है। बैठक में कमेटी के लोगों ने निर्णय लेकर इस बात को सार्वजनिक कर दिया कि बलदेव सिंह शुक्रवार से जथेदार पद पर आसीन होकर जथेदार की गरिमा और शोभा को बढ़ाएंगे और उसके पूरे कार्यभार को देखेंगे। निर्णय था कि रंजीत सिंह गौर को, जिनको पिछले महीने 10 तारीख की मीटिंग में भी उनको लिख के दिया कि हटा दिया गया, उससे पहले दिसंबर में भी पिछले साल उनको बर्खास्त किया था, उसके बाद भी अभी एक महीना पहले भी उनको पत्र भेजा गया है और उन्होंने रिसीव नहीं किया पत्र कोई भी। आज की मीटिंग में भी उस चीज़ की संपुष्टि हुई कि उनको पक्के तौर से यहाँ से जाना है, उनको भेजना है यहाँ से। अब वो यहाँ पर ना जथेदार की नौकरी कर सकते हैं ना रह सकते हैं, और जल्द से जल्द सरकार को कहकर उनका आवास वगैरह जो है खाली करवाया जाएगा। पहले वो है, आज भी उसी बैठक पे हुआ कि उनके साथ में जो उनके सपोर्ट कर रहे हैं उनको शह दे रहे हैं, और जिनकी शह पर वो आगे इस काम को बढ़ रहे हैं, और उनके बारे में शिकायत की जाएगी कि उनके पास में आके कबीरपंथी को हैं ब्रजेश मुनि, वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, आए दिन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में उनको शिकायत की जाएगी कि वो आए दिन कह रहे हैं कि यहाँ पर कबीरपंथियों को लाकर कीर्तन करवाया जाएगा, 5 MLA आएंगे, वो सब हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बाहरी लोग आके यहाँ पर हस्तक्षेप करें हमारे काम के बीच में। ये हमारा संविधान, हमारी कमेटी, हमारी तख्त की बात है, बाहरी लोगों का यहाँ हस्तक्षेप करें, सपोर्ट करें, इस चीज़ के बारे में उनको शिकायत की जाएगी कि वो आए दिन कह रहे हैं कि यहाँ पर कबीर पंथियों को लाकर कीर्तन करवाया जाएगा, 5 MLA आएंगे, वो सब हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बाहरी लोग आके यहाँ पर हस्तक्षेप करें हमारे काम के बीच में। ये हमारा संविधान, हमारी कमेटी, हमारी तख्त की बात है, बाहरी लोगों का यहाँ हस्तक्षेप करें, सपोर्ट करें, इस चीज़ के बारे में उनको शिकायत की जाएगी कि वो आए दिन कह रहे हैं कि यहाँ पर कबीर पंथियों को लाकर कीर्तन करवाया जाएगा, 5 MLA आएंगे, वो सब हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बाहरी लोग आके यहाँ पर हस्तक्षेप करें हमारे काम के बीच में। ये हमारा संविधान, हमारी कमेटी, हमारी तख्त की बात है, बाहरी लोगों का यहाँ हस्तक्षेप करें। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए News 22 को, अब JioTV पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से News 22 ऐप।